हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। इस क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर टेंसेस की बात की जाए तो सबसे आसान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही समझना होता है, तो जल्दी से हम इसके सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो ग्रामर है इसके पीछे के जो रूल्स हैं उनको भी समझेंगे और उसके बाद उन्हीं रूल्स की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इसको हम आइडेंटिफाई करने की बात करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी कि कैसे पहचाने। तो इसको पहचानना, अगर हम बात करें कि इसको कैसे पहचाने, ठीक है, तो इसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, जैसा कि मैं आपको अभी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसके मीनिंग को समझिए। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, यानी कि अभी, ठीक है जी। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान प्लस जारी। इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि वर्तमान में काम जारी है, ठीक है जी, वर्तमान में काम जारी है, ठीक है, जारी है, या ऐसे बोल सकते हैं हो रहा है, वर्तमान में काम जारी है या हो रहा है, तो यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। जब हम ऐसे वाक्यों को बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं जिसमें काम का जारी होना अभी वर्तमान में पाया जाता है, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तौर पर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि मैं मिस्टर फैज की क्लास देख रहा। अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं या सुनते हैं जिसमें काम का जारी होना पाया जाता है, आप देख रहे हैं मैं आपको एक क्लास डिलीवर कर रहा हूं, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो काम है यानी कि जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन है वो अभी क्या है, अभी जारी है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम पहचानने की कोशिश करें, और तो हम ये कुछ बोल सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंत में, आखिर में रहा हूँ, रहा है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम ग्रामर की बात करें, इसके पीछे की ग्रामर की बात करें कि ग्रामर, और ग्रामर किसकी? असर्टिव सेंटेंसेस की। तो अगर इसके पीछे की ग्रामर और असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है इसकी बात करें, तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, प्लस आपको पता ही है कि जब भी हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं यानी कि जिसमें कोई बात कही जा रही है, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो स्ट्रक्चर ही यहाँ पर भी लगेगा। हम जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, ये इनमें से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, आप ध्यान से देखिए, और प्लस क्या होगा, वर्ब ऑफ एक्शन में क्या लगा होगा? आई एन जी लगा होगा, ठीक है जी। और प्लस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी और जो इंफॉर्मेशन होगी तो वो होगी। तो इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है हम इंग्लिश के अंदर बनाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब वर्ब के हम और एडवांस फॉर्म देख रहे हैं कि हम ऐसा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, वर्ब ऑफ एक्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों वर्ब की दोनों रूप हमें यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है, वर्ब के दोनों प्रकार, वर्ब के दोनों टाइप्स हमें यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। पहले हम क्या पढ़ करके आए थे? प्रेजेंट इनडेफिनिट पढ़ करके आए थे, ठीक है जी। प्रेजेंट इनडेफिनिट जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, तो उसमें क्या था, या तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर आ रहा था, यानी कि जिसमें क्या हो रहा था, नो एक्शन, यानी कि काम नहीं हो रहा था, ठीक है, या और क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑफ एक्शन आ रहा था, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने का मौका मिल रहा है कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब, कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और साथ ही साथ उसके वर्ब ऑफ एक्शन भी आएगा,
जिसके अंत में हम क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे, ठीक है जी। और बाद में अगर उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो वो भी आएगा। तो हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं असर्टिव के अंदर ही, जिसमें हम सिर्फ वर्ब ऑफ एक्शन नहीं देख रहे हैं, वर्ब ऑफ एक्शन के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं भी लगती हुई देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, और वर्ब को हम किस तरह से यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, अगर हम कंपेयर करें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो ये एक फर्क जो है ये आपको देखने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको और इसके अंदर डिटेल हम जा करके दें कि अगर सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ इज आएगा, ठीक है जी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, उसके साथ आर आएगा। यहां पर दो एक्सेप्शंस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं आई के, आई सिंगुलर होता है लेकिन उसके बावजूद भी आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। और यू क्या होता है, यू भी सिंगुलर होता है लेकिन यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, राइट। अगर आई होता है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं, और यू के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक्सेप्शन, वो अपवाद हमें यहाँ पर भी देखने का मौका मिलेगा कि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आई के साथ एम और यू के साथ आर इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजें जैसे ऊपर लिखी गई हैं वैसे ही आएंगी, यानी कि वर्ब ऑफ एक्शन आएगा और उसके साथ में आई एन जी लगा दिया जाएगा, और ऐसे ही यू प्लस आर वर्ब ऑफ एक्शन आएगा और साथ में उसके आई एन जी लगा दिया जाएगा, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगी यानी कि एडवर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, वो अपनी अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे, वो फिट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको क्या रखना है, आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ, आपको ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ पर वर्ब ऑफ एक्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ पर वर्ब ऑफ एक्शन आई एन जी फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो आएगा, और प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब ऑफ एक्शन साथ में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर अच्छी तरह से क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जल्दी से कुछ इमेजेस आपके सामने लगाएंगे, ठीक है। उन इमेजेस को आप ऑब्जर्व करिएगा और उन इमेजेस के बेसिस के ऊपर अपने दिमाग में थॉट्स लाइएगा, ठीक है। जो इंग्लिश को सीखना या किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज को ना पेन और कॉपी की मदद से सीखने की कोशिश ना करिए आप। तो आपका अगर कभी आपका कोई ऐसी कंट्री में जाने का मौका मिले जहाँ पर आप उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो बेसिकली आप उस कंट्री की लैंग्वेज को नहीं जानते तो आप कैसे सीखते हैं। आप हर जगह पर जहां पर आप खड़े होते हैं वहां पर आप लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। बस स्टॉप पे खड़े हैं, रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, आप रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, आप कहीं पे भी खड़े हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ मांगना है, कुछ देना है, किसी से कुछ कहना है, ठीक है जी। तो बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई कैसे बोल रहा है। तो इसी तरह से आप इमेजेस को जब देखते हैं ना, तो अपने दिमाग में थॉट्स को लाने की कोशिश करिए, क्योंकि चारों तरफ आप कोई एग्जाम में अपियर होना, किसी कंपटीशन के लिए इंग्लिश सीखना, वो सेकेंडरी है। उस तरह से आप पेन कॉपी से आपको कोई एग्जाम के लिए तैयारी करने की कोशिश ना करिए, आप चीजों को ऑब्जर्व करके अपने अंदर असिमिलेट करने की कोशिश करिए, राइट। तो अभी अब क्या करेंगे, हम इमेजेस की मदद से हम क्या करेंगे, थॉट्स को अपने दिमाग में लेकर के आएंगे और इन स्ट्रक्चर्स को वहां पे लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से हम देखते हैं। मैंने आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाई है, इसमें आप इस प्लेयर को अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये टेनिस के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं इस समय के, रोजर फेडरर, ठीक है। तो अगर आप इनका मैच देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि रोजर फेडरर क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, टेनिस खेल रहा है, राइट। तो आप ऑब्जर्व करके कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, ये जब बताने की कोशिश करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप अगर मैच देख रहे हैं और मैच देख करके आप ये बता रहे हैं कि हाँ रोजर अच्छा खेल रहा है, तो यहाँ पर काम का होना क्या है, जारी है, राइट। अब हम इसको अगर बोलें तो किस तरह से बोल सकते हैं, रोजर इज प्लेइंग, रोजर टेनिस खेल रहा है, ठीक है। तो
रॉजर इज प्लेइंग टेनिस, यानी कि अभी जो टेनिस को खेलने का जो काम है वो अभी क्या है, जारी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस पिक्चर को पहचान पा रहे हो, आप कहें हाँ, मैं कहूं कौन है, आप कहें रॉजर फेडरर, ही इज रॉजर फेडरर। मैं आपसे पूछूं क्या करता है वो, आप कहते हैं वो टेनिस खेलता है, वो एक अलग चीज हुई। ही प्लेज टेनिस, ये चीज अलग है, ही प्लेज टेनिस, आप बात समझिएगा। तो यहां पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या करता है, आप कहें कि वो टेनिस खेलता है, तो यहां पर आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो अभी टेनिस खेल रहा है, राइट? आप ये बताना चाहते हैं कि हाँ, ये टेनिस का एक मशहूर खिलाड़ी है, टेनिस खेलता है। तो ही प्लेज टेनिस का मतलब अलग है कि वो टेनिस खेलता है, आप ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो अभी टेनिस खेल रहा है। अलग, लेकिन अगर मैं आपको स्टेडियम में ले जाकर के खड़ा कर दूं, मैं पूछूं ये बंदा क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज प्लेइंग टेनिस। उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि ही प्लेज टेनिस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने आपको एक इमेज दिखाई, और एक इमेज दिखा करके मैंने कहा ये बंदा कौन है, रॉजर फेडरर, क्या करता है, टेनिस खेलता है, आप ये कहना चाहते हैं, तो ही प्लेज टेनिस। तो वहां पर काम का जारी होना बताना आपका मकसद नहीं है। लेकिन यही बात अगर मैं आपको स्टेडियम के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दूं और आपसे कहूं क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, रॉजर इज प्लेइंग टेनिस। तो वहां पर जोर किस बात पर है, जोर इस बात पर है आपका बताना, ये मकसद है कि अभी रॉजर जो है वो टेनिस खेल रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हमने किसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब ऑफ एक्शन आ गया, जिसमें हमने क्या लगाया, हमने आखिर में आई एन जी लगा दिया, और क्या खेल रहा है, टेनिस, और ये साथ में क्या आ गया, टेनिस के तौर पर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो फर्क भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। आप यहां पर दोनों सेंटेंस बना सकते हैं, ही प्लेज टेनिस, लेकिन वहां पर आप जो बताएंगे तो वो अलग बात बताएंगे। और जब आप कहेंगे रॉजर इज प्लेइंग टेनिस, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो टेनिस अभी खेल रहा है, ठीक है, राइट? तो ये फर्क जो है वो आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और हम इमेजेस देखते हैं जल्दी से। यहां पर आप देखेंगे एक मैंने आपको इमेज और दिखाई है, मैं अगेन पूछूं कि भाई ये बंदा इस तस्वीर में क्या कर रहा है। ना आप इस बंदे को जानते हैं, ना मैं इस बंदे को जानता हूं। मैंने एक गूगल से मैंने एक इमेज डाउनलोड करी और मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको एक मैसेज कन्वे कर पाऊं, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। लेकिन अगर मैं इस तस्वीर को देखूं और आप इस तस्वीर को देखिए और मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि अभी ये बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। तुम्हारा मकसद ये होगा कि अभी यानी कि अभी जिस मोमेंट में हम इस बंदे को देख रहे हैं उसमें इसका न्यूज़पेपर पढ़ने का जो काम है वो जारी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो अगेन सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आया, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर क्या आ गया, इज आ गया, प्लस वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लग गई और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब अगर देखिएगा मैं बार बार आपको कंपेयर करके भी दिखा रहा हूं, अब एक अलग स्टोरी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो है ना मिस्टर जोन्स हैं फॉर एग्जांपल, और ये रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि मीट मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स से मिलिए। ये क्या करते हैं, ही रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मिस्टर जोन्स हैं और ये क्या कहते हैं, सुबह इनकी आदत है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि ही रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ कि इनकी एक रूटीन एक्टिविटी है कि भाई ये सुबह उठते हैं, उठ के चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो एक्टिविटी है वो जारी है, ठीक है। जैसे आप मुझे फोन करें, आप कहें भाई मिस्टर जोन्स से बात करवा दो, मैं कह दूं, मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिस्टर जोन्स रीड्स न्यूज़पेपर, मैं आपसे ये कहूंगा कि मिस्टर जोन्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आपने मुझे फोन किया, पूछा वो क्या कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मिस्टर जोन्स इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो फर्क जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट इनडेफिनिट में, वो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे,
ठीक है, चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक इमेज और देखते हैं और उसके ऊपर कुछ थॉट्स जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब अगेन यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई है और इस इमेज को देख करके मैं आपसे पूछूं सेम बात कि ये बच्ची क्या कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि अभी आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, शी इज राइटिंग, राइट, कि वो कुछ लिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे, शी इज राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रही है, ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है। और यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉलो किया है, हमने शी एज ए सब्जेक्ट यहां पर लगाया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और उसके बाद में वर्ब ऑफ एक्शन आ गया जिसमें आखिर में आईएनजी लगा हुआ है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया अगर है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम किसी एक्शन का जारी होना पाते हैं। और अगर हम इसी इमेज के ऊपर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना चाहें और मैं ये कुछ बोलूं कि शी राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो सुंदर लिखती है, ठीक है। अब वो सुंदर लिखती है यानी उसकी राइटिंग, उसकी लिखावट क्या है, सुंदर है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ शी राइट्स ब्यूटीफुली, तो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि वो अभी लिख रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब वो लिखती है तो सुंदर लिखती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम रूटीन चीजों का होना बताते हैं जिनका होना स्वाभाविक होता है। तो शी राइट्स ब्यूटीफुली ये एक अलग चीज है, एक अलग चीज बताना चाह रहे हैं हम कि वो जब लिखती है तो सुंदर लिखती है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि वो अभी लिख रही है, लेकिन जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो बताओ ये बच्ची क्या कर रही है, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस मोमेंट में जब आप इसको देख रहे हैं तो ये लिख रही है कुछ, तो आपका ये बताना अपना मकसद है कि इसका जो लिखने का काम है वो जारी है, शी इज राइटिंग समथिंग। तो ये फर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर और प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, जो हम यहां पर लगातार देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो मैसेज जो पास ऑन करना चाह रहे हैं वो जो टेंस का स्ट्रक्चर है कि यहां पर इज राइटिंग आ रहा है और यहां पर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब ऑफ एक्शन है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, एस या ईएस लगा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर सही तरह से लगाने से वो मैसेज कन्वे हो रहा है। इसलिए आपको यहां पर मैं ग्रामर की इंपॉर्टेंस के ऊपर अगेन एक बार जोर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अगर आप उल्टा सीधा स्ट्रक्चर लगाएंगे तो अलग मैसेज पास ऑन होगा सुनने वाले को। जब आप शी इज राइटिंग समथिंग बोलेंगे तो आप इसका मतलब अलग चीज बता रहे हैं, और शी राइट्स जब आप लिख रहे हैं तो आप एक अलग बात बता रहे हैं। तो अगर आप टेंसेस के अंदर हेर फेर करेंगे तो अगेन जैसे मैं कहता हूं कि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो लैंग्वेज ना रह करके एक जोक बन जाएगी, ठीक है ना। तो अपनी लैंग्वेज को जोक ना बनने दिए, अच्छी तरह से ग्रामर सीखिए, सही चीज सही जगह पे इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने आइडियाज को अच्छी तरह से क्या कर पाए, आप कम्युनिकेट कर पाए। तो इस तरह से हमने कुछ इमेजेस की मदद से यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखने की कोशिश करी। अब कुछ सेंटेंसेस में आपको एम और आर वाले भी बताता हूँ क्योंकि लगातार इज का ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस की भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आई आ रहा हो सब्जेक्ट या यू आ रहा हो एज ए सब्जेक्ट या फिर कोई और प्लूरल का सब्जेक्ट आ रहा हो, ताकि आप एम और आर वाले सेंटेंस भी बता दें। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आई के साथ क्या इस्तेमाल किया है, एम इस्तेमाल किया है, राइट। मैं क्या बोलूं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट। और सेंटेंस बनाए, दे आर डूइंग देयर वर्क, किन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे जहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सेंटेंस आप इस तरह से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आई एम वेटिंग तो यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि वेट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आ गया।
तो आपको जो मेन स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है तो वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इज, आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और प्लस आप वर्ब ऑफ एक्शन के साथ क्या लगा देंगे, आप आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा और बाद में जो और इंफॉर्मेशन होगी वो आती चली जाएगी। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाइए जल्दी से आप। यू आर इरिटेटिंग मी, अक्सर बच्चे आ जाते हैं पास में, आप कोई काम कर रहे होते हैं वो परेशान करते हैं आपको, तो आप क्या बोलते हैं, यू आर इरिटेटिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, राइट, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, यू आर इरिटेटिंग मी। इरिटेट, इरिटेट माने होता है किसी को तंग करना, परेशान करना, राइट। तो यहां पर मैंने इस्तेमाल किया आई डबल आर आई टी ए टी ई, इरिटेट, ये एक वर्ब है जिसके माने होते हैं परेशान करना, ठीक है, आप इरिटेट करते हैं किसी व्यक्ति को, समबडी, आप किसी व्यक्ति को इरिटेट करते हैं, यू इरिटेट समबडी, और ये समबडी ही क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहां पर हमने क्या लिया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर क्या आ गया, आर, यू के साथ आर आता है और यहाँ पर वर्ब के साथ हमने आई एन जी फॉर्म लगा दी और प्लस क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जब इरिटेट के साथ हम आई एन जी लगाते हैं तो ये ई हटा देते हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जैसे कि किस वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको कहा था वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं और यहाँ पर आई एन जी लगाते समय ई हटा दिया, तो कहाँ पर एस लगाएंगे, कहाँ पर ई एस लगाएंगे, कहाँ पर आई एन जी लगाना होगा, तो जो आखिर में ई आ रहा है वो हटा देंगे या आखिर में जो लेटर आ रहा है उसको हम रिपीट कर देंगे। जैसे रन है, रन में जब आई एन जी लगाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डबल एन कर देते हैं। तो इस तरह के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, उनको हम स्पेलिंग के ऊपर जब क्लासेस की सीरीज डिलीवर करेंगे हम वहां पर समझेंगे, अदरवाइज अभी हमें जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर क्लास डिलीवर कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, साइड में हो जाएगी और हमारा जो डिस्कशन हो जाएगा वो स्पेलिंग के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूं और मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। हमने कुछ प्रैक्टिस क्या करी है, इमेजेस के माध्यम से करी है, आप भी सेम काम करिए, लुक अराउंड, आप चारों तरफ देखिए एंड पिक अप सेंटेंसेस फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो एक एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, वहां पर आपको एक सीन दिखाई पड़ रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर सीन दिखाई पड़ रहा है, वहां से आप सेंटेंसेस पिकअप करिए। वो घिसे पिटे सेंटेंसेस ना लिखिए कि वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है जी, इस तरह के सेंटेंसेस आप ना बनाइए, आप सेंटेंसेस अपनी लाइफ से निकालिए। और सही समय क्या है प्रैक्टिस करने का, अगर आप रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पर जो टाइम है वो आप अपने दिमाग को आप क्या करिए, आप ये एक्सरसाइज करवाइए कि हाँ वहां से आप सेंटेंसेस पिकअप करिए और आई मीन वर्क अपॉन दोज सेंटेंसेस। जो खाली टाइम मिले ना उसमें अपने दिमाग को आप क्या करिए, आप यूटिलाइज करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंग्लिश को पढ़ने के लिए आप 3 घंटे निकालिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, हर वो मोमेंट जो आपके पास खाली है, जो आप फेसबुक पे बिता रहे हैं या व्हाट्सएप पे बिता रहे हैं, आई मीन यूटिलाइज दैट टाइम मेकिंग योर माइंड वर्क, अपने दिमाग को आप काम करवाइए और इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए दिमाग के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना है दिमाग से, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आप लिखेंगे किसी से बात करते समय उससे बोलें कि ना रुक जाओ मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 सेंटेंसेस बोला, पहले मैं लिख लूं फिर बोलूंगा, ऐसे तो नहीं करना है ना, बोलना तो इम्प्रॉम्प्टू है, ठीक है ना, अचानक से जल्दी से और चीजों को ऑब्जर्व करके सोच करके बोलना है। तो आपको जो मेन प्रैक्टिस करना है वो अपने दिमाग को प्रैक्टिस करवाना है। तो सोचिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस अपने कॉपी पेन पे ना करिए, अपने दिमाग के अंदर करिए, राइट। चलिए आप सोचिए, जिस तरह से योगा करते हैं ना उस तरह से आप सोचिए, ठीक है। चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, और अभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है, थैंक यू।